हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी दुआ यही रहेगी, भगवान आप सभी को बहुत अच्छे से हंसे नवाजे। हम भी ना आज थोड़ा बाहर गए थे, ऑटो रिक्शा हमारा फेवरेट है, मैं और बच्चे कुछ बाहर गए थे चर्च को। वहीं का ये नज़ारा है, मेरी फेवरेट चर्च है। जब भी मेरा माइंड कुछ अपसेट होता है तब मैं यहाँ आके बैठती हूँ बच्चों के साथ। कुछ इसी तरह से हम शाम के वक्त आज आ गए थे। तो वहीं का ये नज़ारा है, वेलंकनी माँ का ये चर्च है। यूजुअली हम वेलंकनी ही जाते हैं जो कि मद्रास में है, पर ये हमारे घर के पास ही है। जस्ट 20-25 मिनट्स लगते हैं घर से। वहाँ से आते ही बच्चों ने आइसक्रीम की फरमाइश की, तो हम भी कुछ बाहर आइसक्रीम खाने चले गए। उसके बाद बाहर हम आ रहे थे क्योंकि शाम का वक्त था, स्कूल से आने के बाद हम गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उडुपी सिटी का व्यू है, जो कि बहुत ही लाइटिंग वगैरह हो रही है क्योंकि कुछ टेंपल में शायद कुछ पूजा वगैरह थी, इसीलिए बच्चे भी यहाँ चुप रहे हैं कैमरा से। बस कुछ इसी तरह हमारा टाइम हमने बहुत अच्छे से स्पेंड भी किया, वो भी बहुत खुश हो गए। कहीं और हम नहीं गए, सिर्फ चर्च हम गए थे और कुछ आइसक्रीम खाने बच्चों के लिए मैं लेके गई थी उनके पसंदीदार शॉप में। तो बताइए कि आप लोग कैसे हैं। बहुत दिन के बाद एक अलग सा वीडियो मैं आज बना रही हूँ, जो मुझे बनाना था ट्रैवल ब्लॉग। तो मैंने सोचा था कि मैं अच्छे अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूं, पर ऐसा हुआ कि मैं ट्रैवल इस वक्त नहीं कर सकती। और आप जानते भी कितनी गर्मी बाहर है, बाहर की धूप बिल्कुल ही नहीं सह सकते। अभी अप्रैल का फर्स्ट वीक है और अभी एक हालत है, अगर बारिश थोड़ी देर हो जाएगी तो पता नहीं क्या होने वाला है, अप्रैल मई के वक्त क्या होने वाला है। हो सकता है कि बहुत जल्दी से बारिश भी हो जाए। होप कि बारिश जल्दी से आ जाए और हमारे गार्डन भी पूरे हरे भरे हो, पानी ना ज़्यादा देना पड़े। और बाकी जो सेफ्टी मेजर्स थे गार्डनिंग के, वो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं क्योंकि बारिश ख़त्म होते वक्त ही ना मैं थोड़ा बहुत ही बिज़ी हो गई। तो जिन प्लांट्स को ना बारिश में रखना था, उन प्लांट्स को मैंने रिप्लेस नहीं किया है, वहीं पर रखा हुआ है। और जो शेडी एरिया में रहने थे वो सभी शेडी एरिया में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर वक्त ना एक बर्ड आती है और हमारे पॉट में ना वो बेटी ने यहाँ पर बीच बीच में आके बहुत तंग करे, तो जो बात मैं कहना चाहती थी वो ही अधूरी रह जाती है। वही चिड़िया ना, वो भी अपना घोंसला रखने के लिए ना अभी ढूंढ लेती हैं पॉट, जो हैंगिंग पॉट्स शायद उनके लिए थोड़ा स्टेबल लगता होगा, इसलिए उसे में वो अपनी एग्स वगैरह रखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा स्टैंड जो बहुत टाइम से पहले से ही था, सो बार बार उसे दिखाने का कुछ मतलब नहीं है। सब आप सभी लोगों ने मेरे जो प्लांट्स वो सब देख लिए होंगे। तो बस कुछ ऐसे ही लगा मुझे आप लोगों के साथ बातें भी करूं, और समर का सीज़न आया तो आप लोग बताएं मुझे कि आप लोगों ने समर सीज़न की गार्डनिंग के लिए क्या क्या तैयारियां की है। पिछले साल तो मैं इतनी भाग रही थी नर्सरी को ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे प्लांट्स वगैरह लेकर आ रही। तो पर इस बार क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट है मेरे पास प्लांट्स, जो कि बोगनविला, वो सारे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। कुछ ख़राब भी हो गए तो नो प्रॉब्लम, मैंने उसी के स्टेम अभी थोड़ी कटिंग, जो ख़राब हुए थे ना उसे कट करके, बाकी जो है उन सभी को मैं बहुत अच्छे से अभी स्प्रे करना मैंने दो दिन से शुरू किया है। उससे ना अभी प्लांट्स कुछ सेहतमंद लग रहे हैं मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइनीज स्प्रिंगल प्लांट है, शायद इसका सीजनिंग समर का है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये खिल रही है, बहुत फ्लारिंग ये दे रही है। और कोलियस प्लांट के बारे में बात करें तो कोलियस ना आपको साल में 3 या 4 बार तक तो इसकी रिकटिंग करनी ही पड़ती है, वरना वो खराब से हो जाते हैं। और कुछ कुछ लोगों को ना फ्लावरिंग ही पसंद होता है, पर मुझे ना थोड़ा ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है जो कि मैं मेरे आंटी के घर से लेके आई थी, इसकी लीफ कितनी सुंदर है। ये वाला नहीं, जो पिछले वाला अभी स्मॉल डॉट वाला मैंने अभी दिखाया था,
ये भी मैंने कटिंग लगाई थी इसकी बारिश में, अब जाके ग्रो कर रहा है। ये चाइनीज़ बॉल है, शायद इसे चाइनीज़ बॉल कहते हैं, बहुत बॉल की तरह है दिखता है। और एक प्लांट है कुछ मैंने शेडी एरिया में रखा था, वो ना पूरा बॉल की तरह दिख रहा है, बाद में दिखाऊंगी। थोड़ा इसमें सनलाइट गिरती है तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी येलोइश लग रही हैं। ये सारे प्लांट्स ना आपको समर सीज़न में ना इजीली आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, बस आप उसे पानी दे दीजिए। पर मैंने ना कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाला, ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने ज़्यादा ही हुए होंगे मैंने नहीं डाला है। कुछ इस तरफ मेरे अडेनियम के प्लांट हैं और फ्लावरिंग अभी भी दे रहे हैं। एक्चुअली विंटर में अडेनियम बहुत ही खिलता है, पर मेरे यहाँ ना समर में ही हमेशा फूल खिलते हैं। इसमें एक एक फ्लावरिंग है, वाइट में थोड़ी ज़्यादा है, रेड में भी है, और बहुत सारे सीड्स भी लगे हैं इस बार। पर कुछ क्या हुआ, शायद मैंने ऑब्जर्व नहीं किया सूखते वक्त, वो खुल के ना उड़ गए हैं उसके सारे जो सीड्स से। कुछ मैंने निकाल के रखे हैं, और जो अमेज़ॉन से मैंने बहुत पहले जो मंगाए थे ना, वो आपको पीछे सेट से दिख रहे होंगे। अभी थोड़ा वो बड़े होने लगे और फ्लावरिंग बड्स भी आए हुए हैं। चलिए देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी फ्लावरिंग होती है। मुझे डबल पेटल कहके मैंने उसे मंगाया था, पर अब मुझे वो सिंगल पेटल लग रही है। ये जो प्लांट है ना, मेरी ग्रेप्स की प्लांट है, उसे मैं ना सच्ची में कहती हूँ मैंने कोई भी अच्छे से उसे मेंटेन नहीं किया, पर वो ज़िंदा है। और अभी ये एप्पल की ट्री है जो कि मुझे लगा है पूरी ख़राब हो जाएगी, पर है, उसमें भी एक नया स्टेम आया हुआ है। अब इसे कैसे मेंटेन करते हैं, मुझे थोड़ा इसके बारे में अभी सर्च करना है, क्योंकि वो बच गया है। ये पुदीना का, पुदीना नहीं, इसे तिमारे हम कहते हैं, मिंट तो नहीं कहते हैं, ब्राह्मी शायद उसे कहते हैं। उसका थोड़ी बड़ी पत्ती वाला वो है, उसकी हम चटनी भी बना सकते हैं। बोगनविला देख के समर के सीज़न का फर्स्ट बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग भी देता है, और इजी भी मेंटेनेंस, आप मेंटेन आप इसे कर सकते हैं। विंका भी है, और मॉस रोज़, और या मॉस रोज उसे कहते हैं ना, या उसमें से ना इस बार मैं उतना उसे मेंटेन नहीं कर पाई, तो 1-2-3 पॉट्स है मेरे पास, पर उतने अच्छे नहीं हैं वो। यहाँ पर मांडे विल्ले भी ना बारिश के मौसम में भी अच्छे ग्रो करता है, पर हुआ मेरे साथ ये कि जब मैं इसे लाई थी ना, उसी वक्त मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मैंने उसे रिपोर्ट नहीं किया। जिस पॉट में वो था उसी में मैंने उसे रखा है, और उसे मैं पानी में दे रही थी, पर ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह मैं नहीं डाला इसीलिए शायद, पर फिर भी ना वो ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मेंटेनेंस ज़ीरो है मेरे प्लांट्स में। मैं सच्ची में कहती हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरी भी हालत ठीक नहीं। अगर घर में मैं रहती तो शायद अब जैसे मैं आज से हूँ घर पर और ये वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे पास ना कुछ वक्त है। पर पहले ऐसा नहीं होता था, सुबह के 9 बजे तक पूरा का पूरा मेरे किचन में ही चला जाता था, और 9 बजे मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आते वक्त 1 बजता था। दोपहर को ना थोड़ा रेस्ट में लेती थी, और 3:30 बजे से मेरे क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस शुरू होते थे अप टू 7:30 तक। तो आप खुद ही बताइए मुझे वक्त कहाँ मिल पाता। सिर्फ संडे ही मुझे मिलता था, और सैटरडेज मुझे सुबह का वक्त मुझे मिलता था, उसमें भी कुछ ना काम तो ज़रूर आते थे, और मैं बहुत ही बिज़ी रहती थी। इसी वजह से ना मुझे मेंटेन करने का मुझे वक्त नहीं मिला। पर जो भी ख़राब हुए हैं ना, उन सभी को रिपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी, और आप लोगों को 1 महीने के अंदर मैं बहुत अच्छा सा फिर से आपको मेरा गार्डन व्यू, गार्डन का टूर में ज़रूर बना के दिखाऊंगी जो कुछ भी ख़राब हो गई थी। ये जो प्लांट है ना, आपको टैंगल हार्ट जो दिख रहा है ना, वो हुआ है कि कट होके गिर गया था, सो अभी यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है। और सिंगोनियम ना पिंक वाले ना बहुत फैले हुए थे एक्चुअली, जो कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी ब्लॉक्स में आती है ना, उस पे जाके वो रूट पकड़ लेता है। सिंगोनियम मनी प्लांट की तरह होता है। पर हुआ ये कि जो क्लीन करने के लिए, एक झाड़ू लगाने के लिए जो लेडी आती है, उन्हें शायद वो पता नहीं, तो उन्हें थोड़ा सोचा कि ग्रास वगैरह कुछ इस तरह है, और उन्होंने पूरा कट करके फेंक दिया। ये पिंक वाला था ना, अगर रहता तो मैं बहुत सारे पॉट पिंक के बनाती,
और एपीसीआ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, कुछ अच्छी वेराइटी के एपीसीआ है ना, वो भी थोड़ी मुझे लगानी थी एक्चुअली, पर मैंने नहीं लगाई। यहीं पर मैं यही दिखा रही हूँ, मेरी जो टेंगल हार्ट की प्लांट है ना, वो पॉट जैसे कट होके गिर गई। और यहाँ पर आपको पिंक वाली दिख रही हूँ, मेरे फ्रेंड ने दी थी, उसके लिव्स बहुत सुंदर है। पर हुआ ये कि जब वो पॉट कट करके गिरा ना, तो शायद उसके ऊपर ही गिरा होगा, इसी वजह से वो थोड़ी ख़राब सी हो गई है। बट नो प्रॉब्लम, उसने भी उसकी ग्रोथ पकड़ लिया अभी। और कुछ पौधे जो है प्लांट ना देने के वजह से भी कुछ ख़राब हो गए, तो गार्डनिंग करना ही नहीं होता, उसे मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मुझ जैसे जो वर्किंग लेडीज़ होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। पर जब आप बनाते हैं, मुझे ऐसा नहीं है, मुझे जो मुझे अच्छा लगे वो मुझे मेरे गार्डन में चाहिए, बस इसी तरह से मैं उन्हें इकट्ठा कर लेती हूँ। पर आपको मैं बता रही हूँ, जितना आपसे हो सके उतना ही प्लांट लगाना। और इस बार मैं बहुत अपडेट और चेंजेस भी करने वाली हूँ मेरे गार्डन में, सो बहुत जल्दी ये मैं करूँगी। कुछ स्टैंड्स वगैरह कुछ भी मैंने अपडेट नहीं करने, पर प्लांट मेरा जो मुझे चाहिए बस उसी को मैं रखने वाली हूँ। और मुझे नहीं चाहिए वो मैं जो उसे मेंटेन कर सकती हूँ उन्हें मैं देने वाली हूँ। तो चलिए, यही था मेरा वीडियो, और बहुत जल्दी से मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और सोचा है कि कुछ ट्रैवल के व्लॉग्स भी बनाऊं, जो कि नज़दीक से या किसी मेरे फ्रेंड के गार्डन का भी आप लोगों से मैं शेयर करूं। होप आपको अच्छा लगा होगा। समर की सीज़न में पानी हर रोज़ एक या दो बार गार्डनिंग को देना, एक बार मिस करना और एक बार पानी देना, अपना खूब सारा ख्याल रखना, आप भी खुद पानी पीना। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय। Take care, bye-bye.